हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अजफर। सो आज के वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली हूं, जो भी आपने मुझे Q&A के लिए पूछे थे, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो तैयार रहिएगा कुछ मजेदार आंसर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हुदा वजाहत। उन्होंने पूछा है, हु इज योर इंस्पिरेशन? सो माय इंस्पिरेशन आर माय मॉम एंड डैड, मेरे अम्मी अब्बू। मैंने बचपन से उनको मेहनत करते हुए देखा है और उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उन्होंने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं करी। इतने साल हो गए, मैंने अपने अब्बू को कभी भी दिन में घर पर आराम करते हुए नहीं देखा। कभी कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाता है या फिर ईद हो जाती है, तभी वो दिन में आराम करते हैं, अदरवाइज कभी नहीं करते। इवन संडे को भी नहीं, कभी घर पर आराम करते हुए दिखे तो समझ जाओ कि उनकी तबीयत खराब है, अदरवाइज वो कभी आराम नहीं करते हैं। और मैं और मेरी फैमिली जानते हैं कि उनका लॉकडाउन कितना भारी भी था, क्योंकि रोज काम करने वाले इंसान को जब एकदम सब कुछ बंद करना पड़ता है तो कितना बुरा लगता है। और सेम मेरी मम्मी, सारा घर का काम वही करती हैं। मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा सफाई में हाथ बटा देते हैं, अदरवाइज सारा काम वो खुद ही करती। आज तक हमने घर पे मेड नहीं लगवाई। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैंने उनको बोला भी था मेड लगवा लेते हैं, मैं टाइम तो दे नहीं पाती हूँ, मेरा खुद का ही काम होता है। तो उन्होंने बोला जब तक हाथ पैर चल रहे हैं चलाने चाहिए, नहीं तो फिर हाथ पैरों में जंग लग जाती है। तो ऐसे हैं वो, तो यस दे आर माई इंस्पिरेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आया है फ्रॉम हर्षल रावल। ओके, वट इज योर फर्स्ट सैलरी दीदी? अच्छा, तो इसके लिए मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट एक बार ओपन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है। लेट मी चेक। ओके, सो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो थी 40,981 और कुछ पैसे भी हैं। चलो उसको छोड़ देते हैं। तो ये थी मेरी फर्स्ट सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वीटी। शी इज आस्किंग, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन डूइंग आर्टिकलशिप? सो एक्सपीरियंस वॉज मेमोरेबल, अच्छा भी था बुरा भी था। काफी सारे अच्छे लोग मिले और मजा भी आया। काफी बार एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी मैं कि नहीं अब नहीं करना मेरे को। पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकलशिप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट उन सभी चुनौतियों को झेलते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सो जैसा भी था मेरा एक्सपीरियंस, आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड अबाउट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सो यस, इट वॉज ओवरऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रुति एम। हे दी, डिड यू एवर ड्रीम ऑफ बींग अ यूट्यूबर और इट्स जस्ट फॉर फन, एंड हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? ओके, ड्रीम ऑफ बींग अ यूट्यूबर, नो, यूट्यूबर बनने का ड्रीम नहीं था, बट मुझे लगता है मेरे उन सपनों का रास्ता यूट्यूब से होते हुए जाता है। सो यस, इट इज देयर। एंड हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? सो माय फेवरेट यूट्यूबर वुड बी, क्या नाम है उनका, फ्लाइंग बीस्ट। या फ्लाइंग बीस्ट चैनल है, उनके जो ओनर हैं गौरव तनेजा एंड रितु राठी, दे आर माय फेवरेट। मैंने कुछ महीनों पहले ही उनका यूट्यूब चैनल देखना शुरू किया था एंड मुझे बहुत पसंद आया। मैं उनको ब्लॉग देखती रहती थी रात रात भर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं दोनों। और मतलब इतना हेक्टिक डे होने के बाद भी वो ब्लॉग करते हैं डेली, मतलब सच में दे आर रियली गुड। तो यस, दे आर माय फेवरेट यूट्यूबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सम एनोनिमस यूजर। शी इज आस्किंग, अटेम्प्ट्स यू टुक फॉर योर सीए फाइनल इफ यू डोंट माइंड टू रिवील? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ छुपाने वाली चीज है नहीं, मतलब जितने लगे लगे, तो उसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं। सो आई टुक 5 अटेम्प्ट्स, यस। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था, सिर्फ इसी नहीं पूछा था। सो आई थिंक आप सभी को उसका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दुष्यंत। He is asking, good evening ma'am, you don't mind then please answer where you got first job after becoming CA? Okay, बता दूं, exact बताऊं या फिर hint देके बताऊं? चलो hint देके बताते हैं, देखते हैं कि आप कितना अच्छा guess कर सकते हो। So currently I am placed at an IT company in Noida. I think पता चली जाएगा इसे आपको, इसका campus बहुत बड़ा है, ठीक है? तो देखो आप बताओ क्या लगता है आपको, कहाँ पर मैं placed हूँ right now? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्रिशियस। बीइंग अ प्रोफेशनल सीए, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर इन टर्म्स ऑफ करियर? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने, मैं क्या बताऊं मतलब इसमें। आई एम नॉट सेइंग दैट ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, बट आई डोंट नो, लाइक ये क्वेश्चन आई एम नॉट कंफर्टेबल टू आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिव्येश। असफर, आपने अपनी सीए जर्नी में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं तो वो कैसे शॉर्ट आउट करी थी? फर्स्टली आई एम रियली लकी
कि मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर मिलके घर का काम कर लेती हैं सारा, मैं टाइम मिलता है तो मैं साफ सफाई में मदद करा देती हूँ, बर्तन वगैरह धो देती हूँ, वो अच्छे लगते हैं मेरे को धोना, तो यही कर देती हूँ मैं, बाकी तो सारा काम वो मिलके कर ही लेती हैं, ऐसा कुछ मुझ पर प्रेशर नहीं आता कि काम करना ही है, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नुसी एंड शी इज आस्किंग, दी आप फिल्मी पर्सन हो या प्रैक्टिकल पर्सन? इट डिपेंड्स, बट ज्यादा कहूँ तो आई एम अ फिल्मी पर्सन, नॉट प्रैक्टिकल दैट मच, आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ अच्छा है। हाँ, फिल्मी पर्सन हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीलम कुमारी, दी आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे? नहीं डियर, मैंने नहीं दिए थे, मैंने फाइनल के भी दोनों एक साथ नहीं दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फरदीन खान, हाउ टू ओवरकम फेलियर एंड गेट बैक ऑन द ट्रैक? मैं बाकियों का तो नहीं बता सकती, बट मेरा ऐसा है कि मैंने अपने फेलियर्स को एज अ लेसन देखा है, मतलब मैं फेल जितनी बार भी हुई हूँ मैंने उनसे सबक लिया है और उस पर मैंने काम किया है और उसके बाद मैं पास हुई हूँ। तो फेलियर को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर वो फेलियर बन के रह जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ सीख लोगे, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी बना के देखोगे, तो आप उससे बहुत 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 कुछ हासिल कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसकी जिंदगी में जिसने फेलियर देखा ही नहीं होगा। फेलियर किसी भी रूप में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक में ही हो। सो यस एंड गेट बैक ऑन द ट्रैक के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो मेरा जो मंत्र है वो है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग पॉजिटिव। ये सिर्फ मैं बोलती ही नहीं हूँ, ये सिर्फ कोर्ट में ही नहीं मैं रखती हूँ, ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ और ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। सो इट्स नॉट अ लाइन फॉर मी, इट्स माई लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जुनैद मेमन, दी फ्रॉम विच सिटी यू आर? आई एम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी शेफिया सून, ओके, हाउ शुड वन कन्विंस आर पेरेंट्स टू लेट अस परस्यू द गोल ऑफ आर चॉइस? सो देखो, पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपके गोल के बीच में रुकावट नहीं बनेंगे अगर आप उनको कन्विंसिंग लगते हो, मतलब अगर आप सीधे ही जाके बोल रहे हो हाँ मुझे ये करना है वो करना है, वो मानेंगे नहीं जब तक उनको ये नहीं दिखेगा कि आप सच में उस चीज के लिए पैशनेट हो, आप सच में वो करना चाहते हो, आपके पास सच में एक प्लान रेडी है। क्योंकि आप जिस एज में हो ना, वो आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि जाओ जो करना है करो। अगर उनको नहीं दिखेगा कि यू नो यू आर पैशनेट इनफ टू परस्यू दिस, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी कि यस वी वांट टू डू इट एंड वी विल डू इट फ्रॉम ऑल आवर हार्ट। सो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे जिस भी चीज में आप जाना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बुरहान खलीफा, ही इज आस्किंग आपके नाम का मीनिंग क्या है? ओके, सो मेरे नाम का मीनिंग है विनर, फतेह, कामयाब, ये है मेरे नाम का मीनिंग। मुझे 12th के बाद तक अपने नाम का मीनिंग नहीं पता था। स्कूल टाइम में कोई मुझसे पूछता था तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, मैं बोलता पता नहीं अम्मी ने रखा हुआ मुझे नहीं पता। अम्मी से पूछती थी अम्मी नाम का मीनिंग बताओ, सब मेरे से पूछते रहते, अम्मी को भी नहीं पता था। तो पता है मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जब हमारे घर में कंप्यूटर आया था ना, और वो डोंगल आते थे कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे लगाने के लिए जिससे नेट चलता था, तो सबसे पहले मैंने उसमें जाके देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजफर, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एंबैरस हो चुकी थी, सब मुझसे मेरे नाम की मीनिंग पूछते थे, मेरे को पता ही नहीं था मेरे नाम की मीनिंग क्या है। तो तब मैंने उसमें सर्च किया एंड मेरे नाम का मीनिंग निकल कर आया, जो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। फतेह उसका मीनिंग है, और ये कुरान शरीफ की सूरह फतेह में आता है। सो यस, दिस इज माय नेम एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ माय नेम, एंड आई लव 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 माय नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर त्यागी, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव सेड और डन अराउंड समवन यू हैड क्रश ऑन? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ ना कुछ अटपटाई करा होगा, कुछ ना कुछ क्लमजी करा होगा, जो मैं आए दिन करती रहती हूँ, बट ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ Your question is making me embarrassed. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आई एम हार्दिक, व्हाट इज योर फेवरेट फूड एंड व्हाट क्वांटिटी कैन यू ईट टू शो द लव? ओके, मेरा फेवरेट फूड मैं कैसे बताऊं, मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी। वैसे राजमा चावल है। एक बार पीछे प्रैंक चला था ना, जब आपके फ्रेंड बोलते हैं कि अपना इंस्टाग्राम पे नाम रखो अपने फेवरेट फूड का, फिर दूसरी बार रखो, फिर चेंज नहीं हो रहा था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरा नाम राजमा चावल रह गया करीब 10 दिनों तक, मैं हटा नहीं पाई उसको, तब से मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लोग मतलब आपके भोलेपन का कितना ज़्यादा फायदा उठाते हैं ना, मतलब। तो व्हाट क्वांटिटी कैन यू ईट, मैं चाहे मुझे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ खिला दो, मैं अपनी भूख से ज़्यादा कभी नहीं खाती हूँ, बल्कि मैं अपनी भूख से कम ही खाती हूँ। देख सकते हो मेरे को, मतलब आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँगी, नहीं खाती। तारिक खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शीरियो स्विफ्टी, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर इन एंटरटेनमेंट फील्ड? इट कैन बी मोर देन वन टू। ओके, सो एंटरटेनमेंट फील्ड से अगर मैं कहूँ,
आई लाइक संभावना सेठ. संभावना सेठ का खुद का यूट्यूब चैनल है, मुझे वो बहुत पसंद है. मैंने पिछले साल ही आई थिंक वो देखा था और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे उनके ब्लॉग्स. मतलब वो बहुत स्वीट सी है, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना स्क्रीन पे लगेगा कितनी ज्यादा एरोगेंट होंगी, मतलब गुस्से में रहते होंगे, बट ब्लॉग में पता चलता है वो कितनी ज्यादा मतलब स्वीट है, बबली है, एकदम फन करने वाली बंदी है. तो मुझे बहुत पसंद आई वो. तो संभावना सेठ इंटरटेनमेंट करके चैनल है इनका, ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट चैनल है ऑन यूट्यूब. ओके नेक्स्ट अगेन फ्रॉम शीरियो सिफ्टी, इज कैरी मनाटी वन ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर, यू कैन मेंशन माय नेम. ओके मैंने कर दिया ऑलरेडी. तो कैरी मनाटी नॉट, ही इज नॉट माय फेवरेट यूट्यूबर. मैंने ऐसा नहीं कि बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं उनकी. रोस्टिंग तो हर कोई देखता ही आज, बट नॉट फेवरेट. बट हाँ अच्छी बनाते हैं वो भी वीडियोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निकिता ढाका, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, यू कैन टेक माय नेम आल्सो. ओके सो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जब मेरा सीए का रिजल्ट आया था. बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो ऑफकोर्स वही होगा. अभी तो मुझे वही ध्यान है, बट यस. और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज ऑल्सो जो मैंने अपने लेसन वाली वीडियो में बताया था, जब मार्चिंग कॉम्पिटिशन में हम गए थे. तो वो भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट है मेरी जिंदगी का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम समृद्धि उपाध्याय, शी इज आस्किंग, दी आप अपना आर्टिकलशिप बिग फोर से किए थे या मिड साइज फर्म से, एंड अभी आप सीए की जॉब कर रहे हो. ओके सो मैंने अपना आर्टिकलशिप बिग फोर से नहीं किया था, मैंने किया था मिड साइज फर्म से फ्रॉम करोलबाग, एंड अभी आप सीए की जॉब कर रहे हो. यस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विधि दावे. ओके मुझे लग रहा है मैं ये नाम आई थिंक गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो. तो उन्होंने पूछा है आप कौन सी एज में सीए बने और आपको सीए बनने में कितने साल लगे. सो आई क्लियर्ड माय सीए एट द एज ऑफ 24, एंड सीए बनने में कितने साल लगे. वेल ये मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, सो मैं इसका आंसर छुपाऊंगी नहीं, मैं बता देती हूँ आपको. सो फ्रॉम सीपीटी टू फाइनल आई टुक 8 years. उसके बीच में एक साल मैं काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि उस साल मैं श्योर नहीं थी कि मैं सीए आगे कंटिन्यू करूंगी या नहीं. आई वॉज मिसगाइडेड और बहुत सारी चीजें थी, तो एक साल मैंने आप समझ सकते हो कुछ करा ही नहीं था. सो वो एक साल मैं काउंट नहीं करती हूँ. सो ऐसे आप कह सकते हो 7 years. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हॉरिजॉन, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस स्लीप ड्यूरिंग सेल्फ स्टडीज स्पेशली व्हाइल रीडिंग थ्योरी सब्जेक्ट. आई कैन टोटली रिलेट यू, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू. थ्योरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन पास होने के लिए पढ़नी पड़ती है. तो मैं उसको कैसे टैकल करती थी, मतलब मैंने टॉपिक्स को ना रिलेट करना शुरू कर दिया था. मतलब हर टॉपिक आपस में कहीं ना कहीं रिलेट होता है, तो जब आप रिलेट करके पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, फिर मन करता है कि और पढ़े. साथ में मैंने लिख लिख के पढ़ना शुरू करा था. मतलब मेरी लिख के पढ़ने की आदत बहुत सालों से है, मैं अभी वही फॉलो करती हूँ. अगर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आता या फिर मुझे लेजीनेस फील होती है, तो मैं लिख लिख के पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो उससे लेजीनेस भी कम हो जाती है और मेरे को समझ भी आने लग जाता है. तो यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्द थर, ये कैसा नाम है. हैव यू वॉच्ड स्कैम 1992? नो, मैं सीरीज देखती नहीं हूँ. मैंने कौन सी देखी होगी, मतलब शायद मैंने एक देखी थी जिसमें सुरभि ज्योति एंड क्या नाम है उसका, वरुण सोपती. या वरुण सोपती एंड सुरभि ज्योति का एक वेब सीरीज आई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी, वो मैंने देखी थी, अदरवाइज मैं सीरीज वगैरह देखती नहीं हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एफ खातून, अस्सलाम वालेकुम आपी. वालेकुम सलाम आपी, आपके ग्रेजुएशन के साथ सीए कर रही थी, प्लीज डोंट मेंशन माय नेम. मैंने नाम बता दिया, आई एम रियली सॉरी, बट आपका नाम ऐसा आई थिंक किसी को पता नहीं चलेगा. तो यस, मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपनी सीए के साथ ही करी थी. ज्यादा दिक्कतें नहीं होती क्योंकि मैंने एसओएल से करी थी, तो मैं बहुत इजिली कर ली थी, मैंने कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहन गुप्ता, आपने कभी किसी लड़के को जानकर तंग किया जो आपको लाइक करता हो. नहीं, मैं मौका ही नहीं देती किसी को तंग करने का, ना मैं खुद तंग करती हूँ, तो नो. सेम उन्होंने फिर से बोला है, जैसे लड़की की आदत होती है वो बस बॉयज को एडिट बनाती है, कभी किया मैम आपने? नो, मैंने तो कभी नहीं किया. वैसे ये ऐसा नहीं है कि हर लड़की की आदत होती है, होंगी कुछ बट सबकी नहीं होती, सो डोंट इंक्लूड ऑल द गर्ल्स. ठीक है. हसनैन शाह पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीए. सीए, अच्छा टाइम पीरियड पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं डोंट नो, बट मैं ऐसे टाइम पीरियड बता देती हूँ. हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीए, तो सीए करने के लिए मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम 5 years. आप ये मत सोचो कि 5 साल बोले तो 5 साल लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं. इट्स गुड अगर आपने 5 साल में क्लियर कर लिया, बट काफी बार ज्यादा ही लगते हैं. सो या मधुलता पांडे पूछती हैं, प्यार अगर दोस्ती है तो दोस्ती क्या है. अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली. हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनके साथ मजाक भी कर लें तब भी वो बुरा नहीं मानते, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग. सो आई थिंक या अंडरस्टैंडिंग. सो चलिए, मुझे तो बहुत मजा आया, आई होप कि आपको भी मजा आया हो मेरे आंसर्स देखने में. तो थैंक यू.
अगेन थैंक यू सो मच. तो चलो मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़.